चलो आज एक और वीडियो के साथ कुंजम पास की सैर करते हैं। कुंजम पास अपने दर्शकों को बहुत ही लाड प्यार के साथ स्वागत करता है और ये ग्लेशियर के दर्शन सामने। कुंजम पास का गूगल अर्थ से एक दृश्य, यह सड़क मनाली से आ रही है और इधर काजा को जा रही है, परंतु कोई भी वाहन, कोई भी लोग बिना इस कुंजम माता के परिक्रमा किए कोई भी आगे नहीं जाता, चाहे काजा से आ रहा हो चाहे मनाली से आ रहा हो। अगस्त 1977 में ठाकुर देव सिंह जी के साथ काजा जाना हुआ तो ये मंदिर के दर्शन हुए जो अभी बन ही रहा था और ऊपर छत भी नहीं पड़ी थी इसके ऊपर। अगली बार जब जाना हुआ तो इसके ऊपर छत अच्छी तरह से बन गया था और एक और मंदिर की तैयारी, फाउंडेशन स्टोन सभी के बन गए थे और भी मंदिरों की रूपरेखा लग रही है। मंदिर के अंदर जो मूर्ति है, लोगों का विश्वास है कि इस पे पैसे चिपक जाते हैं। अगली बार जब जाना हुआ तो ये बन के तैयार हो गया था और भी मरम्मत कार्य यहाँ चले हुए थे। अब ये देखिए इस पे रंग हो गया है और भी कार्य यहाँ पे चले हुए और पहले से यहाँ पे कोई काफ़ी अंतर हो गया है। 12 सितंबर 1999 को जब कुल्लू से पिन पार्वती ट्रैकिंग करते हुए काजा होते हुए मनाली वापस जा रहे थे तो यहाँ पे रुकने का मौका मिला तो ये दृश्य मिला और यहाँ पे ये देखो सुंदर पेंट हुआ हुआ इस पे माता कुंजम। मंदिर के अंदर की मूर्ति है, अब की बार एक के बजाय दो मिली और इन पे ये देखो पैसे जो चढ़ाए लोगों ने वो चिपके हुए हैं। इस माता की यही मानते हैं कि यहाँ पे जो भी मन से पैसे चढ़ाता है वो उनके पैसे ज़रूर यहाँ चिपक जाते हैं। जुलाई 2007 में जाना हुआ तो रात को भी हमने यहीं रुके और ये मंदिर वालों की सराय हैं जिसमें हमने अंदर तंबू लगा के रुके। औरत को बहुत ठंड हुई और रात को मून लाइट फोटोग्राफी भी यहाँ हुई। कुंजम माता के मंदिर का एक और दृश्य, सुंदरता बढ़ती जा रही है सालों साल यहाँ पे और ये किए पत्थर जो कि पूजा का रूप ले रहा है। मंदिर का एक और दृश्य है दूसरी तरफ से, इसके चारों तरफ बहुत सुंदर सुंदर फूल और यहाँ सारे फूलों का बगीचा, आप जहाँ भी जाएं तो बहुत सुंदर फूल पाएंगे। आप इस पिक्चर में देख पाएंगे जो 2013 की है, ये पत्थर यहाँ पहुँच गया है जो पहले यहाँ पे था, अब ये यहाँ पहुँच गया है और बाकी का दृश्य वैसा ही है। बाकी का भी फिर और वीडियो के साथ, आपके पास कोई टॉपिक हो तो कृपया साझा करें।